हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है एमिटी ऑनलाइन प्लेसमेंट्स के बारे में। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये प्यारा सा मेरा वॉलपेपर देखना मत भूलना, और प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा मेरा वॉलपेपर। तो भाई, ये जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो लोग बोलते हैं कि एमिटी ऑनलाइन आपको प्लेसमेंट्स नहीं देता। मैंने अपनी सारी वीडियोस में बताया है गाइस कि अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन में आ रहे हो ना, सो मेक श्योर कि आप इंटायरली डिपेंड होकर मत आओ, अपनी एंड से भी अपने एफर्ट्स डालो टू गेट प्लेस्ड इन टॉप कंपनीज। ठीक है, बाकी ऑनलाइन एजुकेशन में आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलती है, ना कि प्लेसमेंट गारंटी। ठीक है, बाकी एमिटी ऑनलाइन आपको ऑनलाइन एजुकेशन के बावजूद भी मेरे अकॉर्डिंगली काफ़ी अच्छी आपको प्लेसमेंट्स अपना असिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहा है, जिसका प्रूफ मेरे पोर्टल के ऊपर देख सकते हो। ये मेरा अमीगो पोर्टल है और दिस इज माय फुल नेम, आप देख सकते हो, प्रभजोत कौर मेरा पूरा नाम है। और ये आप देख सकते हो कि हमारे पोर्टल के ऊपर अभी करंटली एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन प्लेसमेंट ड्राइव चल रही है करंटली। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी कि हमें इस प्लेसमेंट ड्राइव्स में कैसे अपना अप्लाई करना होता है और किस तरीके से हमारे पास प्लेसमेंट शो होती हैं, और अगर हम अपना सिलेक्शन हमारा हो जाता है तो हमें किस तरीके से पता लगेगा कि हम सिलेक्टेड हैं भी या फिर नहीं। एमिटी ऑनलाइन प्लेसमेंट्स के ऊपर होने वाली है, सो दैट कि जो स्टूडेंट्स अभी अपना इनरोलमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर उनका कुछ आगे फ्यूचर में प्लान है या फिर उन्होंने इनरोलमेंट करवा लिया है, तो उन लोगों को प्लेसमेंट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले और काफ़ी हद तक आइडिया मिले कि आपको एमिटी में अपना हार्ड अर्न मनी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। वो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ गाइस लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो दिस साइड सिमरन, एंड मैं ऑलरेडी स्टूडेंट हूँ एमिटी ऑनलाइन में, एंड ऑलरेडी इट्स बीन अ ईयर सिंस आई गॉट इनरोल्ड इन इनटू एमिटी ऑनलाइन, एंड दिस इज़ माय ऑलमोस्ट थर्ड सेमेस्टर यू कैन से। और प्लेसमेंट्स के ऊपर मैंने एक पहले भी डिटेल में वीडियो बना रखी है और मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे एमिटी के रिलेटेड आपको कंटेंट देखने को मिल जाएगा। सो आप लोग बिल्कुल मेरे चैनल पे विजिट करना मत भूलना। अगर आपको इनरोलमेंट में आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू द एडमिशन प्रोसेस, रिलेटेड टू द एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ एमिटी ऑनलाइन, और अगर आपको ऑनलाइन एजुकेशन के किसी भी कॉलेज में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के रिलेटेड कोई भी डाउट है, देन आप जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेरे व्हाट्सअप का शो हो रहा है स्क्रीन पर, आप इस वाले नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। आप ये देख सकते हो, ये मेरा अमीगो का ऑनलाइन का ऑफिशियल मेरा अमीगो पोर्टल है जहाँ पर मेरी क्लासेस कंडक्ट होती हैं, अमीगो। ठीक है, और ये आप देख सकते हो, ये मेरा नाम है प्रभजोत कौर। और स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैं किसी और का तो नहीं दिखा रही, चाहे पोर्टल जिसका हो, मतलब पोर्टल तो यार फेक नहीं है ना, यूनिवर्सिटी का पोर्टल फेक नहीं हो सकता। ठीक है, और ये आप प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हो, एक नहीं, दो नहीं, वो भी तीन तीन हमें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल रही हैं। और बी सोशल अभी एक एमिटी ने अपना न्यू प्लेटफॉर्म आप कह सकते हो लॉन्च करा है, इसके ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी मैं, बहुत सारे क्वेरीज आ रही थी इसके ऊपर भी। लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 24 जून और आज है हमारा 23 जून। ठीक है, और 23 जून हमारा आज डेट है, और 24 जून तक, मतलब कल मॉर्निंग में, मैं रात को शूट कर रही हूँ अभी, कल मॉर्निंग में मेरा ये जो पोर्टल, जो मेरा प्लेसमेंट्स का जो पोर्टल है, ये क्लोज हो जाएगा। हमारे पास एक डेडलाइन होती है कि हम इतने से लेकर इतने डेट तक अपना अपना अप्लाई अगर करना चाहते हैं देन हम अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना सिंपली, जैसे मेरा अब यहाँ पर मैं सिंपली अपना क्लिक किया रजिस्टर पे क्लिक करूंगी, आप ये देख सकते हो मेरे पास ये डिटेल्स आ गई हैं। और आप डिटेल्स अपना खुद से भी पढ़ लेना, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं अपनी सारी वीडियोज़ में आपको रुक रुक के सारी डिटेल्स भी समझाऊँ। ठीक है, और आप देख सकते हो ये बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए हमारे निकली हैं, और सैलरी एंड अदर बेनिफिट जिसका स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इंतजार होता है, मैं जूम कर देती हूँ। अप टू 6 LP आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और ये लोकेशन जो है वो न्यू दिल्ली की है, और PG एंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर्स में आपको रिक्वायरमेंट है। और गाइज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दिल्ली में ही हमारे पास प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेरीज आती हैं कि जो हमारी प्लेसमेंट्स मिलती है एमिटी ऑनलाइन जो प्रोवाइड करवाता है, दैट इज़ ओनली फॉर दिल्ली NCR। ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा वेट करो, वीडियो में बने रहो, मैं आपको आगे भी बताती हूँ कि क्या एक्चुअल सीन है। और अप टू 6 LPA, 6 LPA मतलब फ्रेशर लेवल के हिसाब से काफ़ी अच्छा पैकेज है। और अगर आपने अप्लाई करना है, आप सिंपली नेम, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल अपना एमिटी का, और पर्सनल ईमेल आईडी, इनरोलमेंट नंबर डालोगे, कोर्स नेम डालोगे आप कौन से कोर्स में हो, एंड उसके बाद हमारा सेशन आ जाएगा कौन से सेशन में आपने इनरोलमेंट करवाया था। फॉर एग्जाम्पल मेरा जुलाई है, ठीक है, और यहाँ से सेमेस्टर अपना चूज करके करंट लोकेशन, प्रोग्राम और रेडी टू रीलोकेट आप यहाँ पर आ सकते हो या फिर नहीं, ये सब लैंग्वेजेस, जेंडर, एग्रीगेट परसेंटेज, रिज्यूमे, प्रोफेशनल फोटोग्राफ, ये सब अपने डिटेल्स को आप फिल इन करके आप सबमिट पे क्लिक करोगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और अगर आप अपना सेलेक्ट होते हो देन आपको इसी कंपनी की साइट से, एंड उसके बाद वी आर हैविंग सेकेंड प्लेसमेंट ड्राइव फ्रॉम ब्रॉडवे इन्फोटेक, आप देख सकते हो।
ठीक है। और यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक करूँगी क्लिक हियर टू रजिस्टर, ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा। अब आप ये देख सकते हो कि हमारे पास ये एक कंपनी है ब्रॉडवे इन्फोटेक, ग्रेजुएट मैनेजमेंट ट्रेनी यहाँ पर प्रोफाइल है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो BA BBA BCOM, और ये सेशन आप देख सकते हो। और ये लोकेशन है, ये नोएडा की है, और जनरल शिफ्ट है 3 to 4 LPA का आपको पैकेज देखने को मिल रहा है फ्रेशर लेवल में। और इमीडिएट ज्वाइनिंग यहाँ पर अवेलेबल है, 3 राउंड आर देयर। फर्स्ट इज एप्टीट्यूड टेस्ट, सेकेंड इज ऑप्शनल राउंड, उसके बाद है HR राउंड, ठीक है। आप ये देख सकते हो ये सारी व्हाट आर वी लुकिंग फॉर, ये रिक्वायरमेंट्स हैं जॉब्स की, आप देख सकते हो। और नीचे मैं वही हमारा सिंपल अपना फॉर्म है, हम अपना सिंपली सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं सबसे मेन डाउट के ऊपर कि दिल्ली NCR में ही हमारी वैकेंसीज आती हैं। अभी हमारा थर्ड है SCM प्रोफाइल में, ऑल कार्गो हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सप्लाई चेन। जो स्टूडेंट्स SCM में अपना अप्लाई करते हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल अपडेट ये रहेगी। यहाँ पर क्लिक करूँगी प्लेस क्लिक हेयर टू रजिस्टर, अब यहाँ पर लोडिंग लेगा। और ये हमारी थर्ड जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं ये खुल चुकी हैं। आप ये देख सकते हो जॉब लोकेशन जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं प्लेसमेंट होगी वो सिर्फ दिल्ली गुड़गांव में होगी, दिल्ली NCR में। आप ये देख सकते हो कि जॉब लोकेशंस कहाँ कहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। ये लखनऊ, जयपुर, लुधियाना, चंडीगढ़ एंड देहरादून, ये काफ़ी सारे ऐसे जॉब लोकेशन हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हो प्रोग्राम इंटरव्यू, 3 मंथ्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपको मिलेगी, 3 मंथ्स प्रोबेशन। और आप ये देख सकते हो कि हमारा क्या ट्रेनिंग एंड असेसमेंट क्राइटेरिया है, MCQs बेस्ड हमारे कुछ असेसमेंट्स होंगे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का पूछ सकते हो, देख सकते हो कि क्या क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल, ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होगा एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। और ये आप देख सकते हो ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। और ये आप देख सकते हो ये सब कुछ हमारा कॉम्पिटेंसीज हैं, और ये हमारा प्रॉपर फॉर्म है, ठीक है। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप ये वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, बिकॉज अगर मैं फिर रुक रुक के वीडियो बनाऊंगी तो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हम सिंपली अपना सबमिट करेंगे, यहाँ पर हम नीचे जाओगे सारा फॉर्म सबमिट करने के बाद देन वी आर गुड टू गो। और ये इस अकॉर्डिंग हम अपने इस वरी सब प्लेसमेंट ड्राइव्स के अंदर अगर अपना एनरोलमेंट अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं देन हम अपना करवा सकते हैं। गाइस गजब है कि 3 इकट्ठी प्लेसमेंट चल रही है MMT ऑनलाइन में। आई गेस 1 साल हो गया बट मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे इकट्ठी प्लेसमेंट्स देखी हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से हमारा सारा प्लेसमेंट्स का यहाँ पर प्रोसेस वर्क करता है इन MMT ऑनलाइन। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो गाइस प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मेरा इस वीडियो से यही मेन अपना एम था कि आप लोगों को कुछ आइडिया मिल पाए कि आपको जो आपका हार्ड एंड मनी है वो आपको MNT ऑनलाइन में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं, आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा या फिर नहीं। और स्टिल अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज आपकी रह गई हैं रिलेटेड टू दी MNT ऑनलाइन एजुकेशन और रिलेटेड टू दी एनी अदर ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, देन आपके पास मेरा कमेंट बॉक्स है, आपके पास मेरा व्हाट्सएप का चैट लिंक है, आप सिंपली मुझे उस चैट लिंक पे क्लिक करके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, और टेक केयर।